बेंगलुरु एस्पिरेशंस को इनोवेशंस और अचीवमेंट से जोड़ने वाला शहर है। बेंगलुरु भारत के टेक पोटेंशियल को ग्लोबल डिमांड से जोड़ता है। बोइंग का ये नया ग्लोबल टेक्नोलॉजी कैंपस भी बेंगलुरु की इसी पहचान को सशक्त करने वाला है। ये अमेरिका के बाहर बोइंग कंपनी की सबसे बड़ी फैसिलिटी होगी। इसलिए ये फैसिलिटी भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के एविएशन मार्केट को एक नई ताकत देने वाली है। लेकिन फ्रेंड्स, इस फैसिलिटी का महत्व सिर्फ इतना ही नहीं है। ये ग्लोबल टेक, रिसर्च और इनोवेशन, डिजाइन और डिमांड को ड्राइव करने के भारत के कमिटमेंट को भी दिखाता है। ये मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड इस संकल्प को सशक्त करता है। ये कैंपस भारत के टैलेंट पर दुनिया के भरोसे को और अधिक मजबूत करता है। आज का ये दिन इस बात को भी सेलिब्रेट करता है कि एक दिन भारत इस फैसिलिटी में एयरक्राफ्ट ऑफ द फ्यूचर को भी डिजाइन करेगा। और इसलिए मैं बोइंग की पूरी मैनेजमेंट को, सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज कर्नाटका वासियों के लिए भी बहुत बड़ा दिन है। पिछले साल कर्नाटका में एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री बनकर पूरी हुई थी। अब ये ग्लोबल टेक्नोलॉजी कैंपस भी उन्हें मिलने जा रहा है। ये दिखाता है कि कर्नाटका किस प्रकार एक बड़े एविएशन हब के रूप में विकसित हो रहा है। मैं विशेष रूप से भारत के युवाओं को बधाई दूंगा, क्योंकि इस फैसिलिटी से उन्हें एविएशन सेक्टर में नई स्किल सीखने के अनेक अवसर मिलेंगे।